नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे, वीकली राशिफल के बारे में बात करेंगे। आपके लिए ये सप्ताह यानी 3 मई से लेकर के 9 मई तक का जो वक्त है, ये कैसा जाने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको यहां पर ये बताने जा रहा हूं कि आपके लिए कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये जो दौर चल रहा है कोरोना का, कोविड-19 जो 2019 के आखिर से स्टार्ट हुआ, 2020 में पूरा चला, 2021 में पूरा चला, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि ये 2021 में जो सेकेंड म्यूटेंट आया और फिर थर्ड म्यूटेंट भी, ये कब खत्म होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको जाकर के देखना चाहिए, इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चाहे आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चाहे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हो, आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको राशिफल बताता हूं। लेकिन सबसे पहले एक बात जान लें, वो ये कि जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म कुंडली का, जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जाना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका भविष्यफल, आपका राशिफल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोचेंगे, कहीं दूर जाने के बारे में सोचेंगे, हो सकता है स्थानांतरण के लिए भी आप प्रयासरत हो। हालांकि ये जो दौर है ये लॉकडाउन का दौर है, लेकिन इसके बावजूद भी आप प्लानिंग करेंगे कहीं बाहर जाकर के सेटल हुआ जाए। जैसे हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप नौकरी करते हो, उसमें ट्रांसफर या फिर नई नौकरी चाहते हो, स्विच चाहते हो सकता है आप बिजनेस करते हो और आप सोचें कि यार और बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए किसी प्रकार से, या नया कोई ब्रांच ओपन करना चाहिए, तो इसमें मुझे बिल्कुल योग दिखते हैं। मैंने कहा कि ऑब्वियसली मैं भी इस बात को जानता हूं कि लॉकडाउन का और कोरोना का ये दौर चल रहा है, उसके बावजूद भी जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आप ये जो आज योजना बना रहे हैं इसको आप जमीन पर भी उतारें, ऐसा मुझे नजर आता है। हालांकि ये जो दौर है, ये जो पीरियड है, आपको असंतुष्ट जरूर कर सकता है और असंतुष्ट, चिंता, तनाव के साथ साथ भाग दौड़ या परेशानी में डालने का काम कर सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई मुझे यहां पर समस्या बनती हुई नजर नहीं आ रही है, तो उसमें ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपके काम काज के दृष्टिकोण से जरूर से भागदौड़ हो, मेहनत ज्यादा आपको करना पड़े, ऐसा मुझे दिखता है। थोड़ा सा आपके कैरियर, आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके प्रोफेशन का ध्यान रखना है और बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए कोई भी डिसीजन पर नहीं पहुंचना है। एकदम से गुस्से में या फिर बहुत ही उत्साहित होकर के किसी डिसीजन पर ना पहुंचे। इसके बाद में आपकी पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। जैसा मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखती, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपके लिए जो समय है पारिवारिक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। थोड़ी भागदौड़ आपके कर्म में जरूर हो सकती है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके घर या परिवार में खुशी का माहौल होगा। लंबे वक्त से कोई परेशानियां चल रही थी तो वो यहां पर मुझे खत्म होती हुई नजर आती है, चाहे वो स्वास्थ्य की, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से कोई परेशानी हो, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई परेशानी हो, खत्म होती हुई नजर आती है। मांगलिक प्रसंग और मांगलिक कार्य भी हो सकता है, निसंदेह ये जो वक्त है इसमें आप पूरे ढोल गाजे बाजे से मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भाई 20 जन 50 जन जितनों की भी अनुमति है उन्हीं के साथ, लेकिन मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग जरूर हो सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं सीक्रेट, जो 20 या 50 जन आते हैं ना, जितने की अनुमति सरकार दे रही है, सच कहूं तो वही खुश होने वाले हैं आपकी शादी में। दूसरे तीसरों को जिन्हें आप बुलाते हैं ना, सैकड़ों लोगों को जब बुला करके खिलाते हैं, वो खुश नहीं होने वाले, जो 20-30 आते हैं वही खुश होते हैं। सचमुच में जो दिल की खुशी होती उन्हीं को होती। तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी मुझे दिखता है, मतलब पारिवारिक स्थिति अच्छी है और खर्चा ज्यादा थोड़ा हो सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से आय की बात करते हैं तो आय के दृष्टिकोण से स्थिति आपकी अच्छी है, आय प्रॉपर होती रहेगी, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे आप स्टूडेंट हो।
स्टूडेंट्स भी यदि आप हैं तो आपकी आपकी पढ़ाई प्रॉपर चलती रहेगी, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजों में डिले आ गया है, जैसे इस समय एग्जाम्स जो है वो डिले हो चुकी है, या रिजल्ट आने वाले होंगे वो डिले हो चुके हैं, लेकिन यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे वक्त अच्छा यहां पर नजर आता है। तो वृषभ राशि के लिए भी कहूंगा ऑल ये समय बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा वक्त है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो फिजूल खर्च यहां पर देखिए इस बीच में हो सकता है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। हालांकि काम काज नौकरी व्यवसाय या यदि आप स्टूडेंट है तो भी यदि हम बात करें तो नया विचार नई प्लानिंग आप यहां पर करें, और उस नए विचार नई प्लानिंग को आने वाले वक्त में आप जमीन पर भी उतारेंगे और उतारने के बाद सक्सेस भी होंगे, ये भी मैं आपसे कह दूं। चिंता तनाव ओवर थिंकिंग ये आपको परेशान कर सकती है, जिससे आपको बचकर रहने की जरूरत है। अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं तो शुभ समाचार मिलने वाला है, बिल्कुल तैयार रहिए। किसी भी विषय में जिस विषय की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं या जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं उस विषय में आपको शुभ समाचार मिले, ऐसा मुझे दिखता है। चाहे वो नौकरी लगने को लेकर के हो, चाहे किसी के स्वास्थ्य के संबंधी कोई समाचार की आप प्रतीक्षा में है, चाहे वो पढ़ाई के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, शुभ समाचार आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप खुश रहेंगे, आप उत्साहित रहेंगे। तो ये वक्त ये दौर आपके लिए कर्क राशि के लिए मैं कहूंगा अच्छा है। यात्राओं का वक्त है, ठीक है, कई जगहों पर लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी आप यात्राएं यहां पर आपकी हो सकती हैं, और ये यात्राएं आपको सुख या सफलता दिलवाने वाली होंगी। ऑब्वियसली आप सभी से हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि भाई यात्राएं जब तक ना जरूरी है तब तक तो नहीं करना चाहिए, और यदि करना पड़ता भी है तो जो भी जरूरी एहतियात है उनका पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, हाथ धोना, दूरी बनाए रखना, तो इनका पालन आप जरूर करिए। आप ने यदि कहीं भवन खरीदा था या प्लॉट खरीदा था, जमीन खरीदी थी, तो उसमें भी आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। हो सकता है आप रिसेल करना चाहते हैं तो उसमें आपको फायदा देखने को मिले, अच्छा मुनाफा देखने को मिले, आपको आपको आर्थिक दृष्टिकोण से वहां पर अच्छा एक बड़ा लाभ हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं तो भाई आप यदि नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी उन्नति हो, आपकी सफलता हो, आपको सराहा जाए, आपको नया प्रोजेक्ट मिले, नई जिम्मेदारी मिले। हाँ, टेंशन बढ़ेगा, भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन उसकी वजह से आप नई प्रतिष्ठा पाएंगे, ऐसा भी मुझे यहां पर दिखता है। साथ ही साथ व्यर्थ की चिंताएं जरूर से हो सकती है। देखिए व्यर्थ का मतलब क्या? ऐसी चिंताएं जो किसी काम की नहीं, वैसे चिंताएं तो किसी काम की होती भी नहीं है, केयर करना चाहिए, चिंताएं किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि हम सभी चिंताओं में फंसते हैं। लेकिन आज मेरा अच्छा है, आज सब कुछ चीजें मिल रही, लेकिन मैं कल के बारे में सोचूं कि यार कल ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो तो फिजूल की है ना, बस वैसी ही कुछ चिंताओं में आप फंस सकते हैं, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं तो मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग हो सकता है। निसंदेह कोरोना का दौर चल रहा है कुछ लिमिटेशंस के साथ, लेकिन फिर भी आप मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा तनाव जरूर रहेगा या नर्वसनेस एक प्रकार की रह सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपको जो है आपका कार्य सक्सेसफुल हो जाएगा, इस बात को लेकर के बिल्कुल बेफिक्र नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दिखती है। आपके नौकरी व्यवसाय आपके प्रोफेशन के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। यदि आप स्टूडेंट भी हैं, हो सकता है कोई चीजें आपकी आगे बढ़ गई हो, डिले हो गई हो, पोस्टपोन हो गई हो, चिंता की कोई बात नहीं, आपके लिए ये वक्त ये दौर जो है वो ठीक है, डिले हुआ लेकिन सफलता के साथ ही निकलेगा, तो चिंता बिल्कुल आपको करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। कन्या के बाद यदि बात करते तुला राशि की तो तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नए दोस्त बन सकते हैं, ठीक है, फिजिकली हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन मीडियम्स बहुत सारे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसकी वजह से भी आपके नए दोस्त बन सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, और प्रेम प्रसंग को यदि विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं।
नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये कहा जा सकता है कि आपका या आपके घर में किसी जो भी विवाह के इच्छुक है उनका विवाह हो जाए या विवाह तय हो जाए, तो नए रिश्तेदार भी उस वजह से बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि की बात करें, आर्थिक स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। एक बात और ये कहना चाहूंगा कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो मेहनत बस आप करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए और मेहनत करिए और सक्सेसफुल बनिए, बस इतनी बात आपके आपसे कहना चाहूंगा। कई सारे ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब हम मेहनत करके भी कोई चीज नहीं पा पाते, हाँ, लेकिन ये वक्त ऐसा है जब आप मेहनत करेंगे तो आपको वो रिटर्न जरूर मिलेगा, तो चिंता की कोई बात नहीं। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो भाई वैसे तो ये दौर जो है लॉकडाउन का कई जगहों पर दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, हर किसी से ये कहा जाता है यात्राएं ना करें, बाहर ना निकले, लेकिन कई बार जरूरी होता है बाहर निकलना। तो यदि आपके लिए बाहर निकलना जरूरी है तो एक बात आपको बता दूं कि वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, तो वाहन सोच समझ कर चलाएं। और ऑब्वियसली कोरोना भी जो है बड़ा घातक है, तो जो भी जरूरी एहतियात है उनका पालन जरूर से करें जो प्रशासन हमें बताता है। इसी के साथ साथ तनाव आपको भविष्य को लेकर के फिजूल का तनाव हो, वृश्चिक राशि के लिए कह रहा हूं, भविष्य को लेकर के फिजूल का तनाव हो ये भी सिचुएशन मुझे बनती हुई नजर आती है। हालांकि आज आर्थिक स्थिति की बात करें, नौकरी व्यवसाय की बात करें, आज आपके प्रोफेशन की बात करें या फिर आज आपकी पढ़ाई की बात करें तो मुझे ये वक्त ये दौर आपके लिए सामान्य दिखता है, मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य को लेकर के फिजूल का तनाव आपको हो ऐसी स्थितियां मुझे दिखती है, तो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूर से जरूरत है। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं, तो आपके लिए भी वही बात कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव, धनु राशि के जातक व्यर्थ का तनाव पाले ऐसा मुझे यहां पर नजर आता है, तो व्यर्थ के तनाव से पहले निकलिए, क्योंकि तनाव होगा मानसिक तौर पर, यदि आप बीमार होंगे तो शारीरिक तौर पर आप बीमार हो सकते हैं, और ये जो दौर है ये बिल्कुल भी आप बीमार हो इस बात को अलाउ नहीं करता है, आई मीन टू से आपके घर या परिवार मैं भी दिक्कतें और बढ़ सकती, तो फिजूल के तनाव से निकलिए, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल्स हैं तो मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करना पड़ सकती है या फिर टेंशन आपको ज्यादा हो सकता है। हालांकि मैंने बहुत सी राशियों के लिए कहा है कि नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके लिए कहना चाहूंगा कि तनाव हो सकता है, उस वजह से भी व्यर्थ का तनाव आपका और फैल सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो दौर चल रहा है यदि आप सबको देखेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि दूसरे बहुत टेंशन में है, बहुत तनाव में है, बहुत परेशानी में है, और हम जो है बहुत बहुत हद तक सुखी हैं। तो आपको ये चाहिए कि फिजूल के तनाव को अपने दिमाग से निकालिए और बस ये शब्द कहिए, ये वक्त भी निकल जाएगा, ये मैं आपको यहां पर धनु राशि को सलाह देता हूं। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं, तो शुभ संकेत, शुभ समाचार आपको यहां पर मिल सकता है, किसी न किसी प्रकार का, किसी न किसी तरह से जिस भी चीज की आप एक्सपेक्टेशन में हैं, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका शुभ समाचार आपको मिले, ये तो बहुत अच्छी बात है, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चाहे नौकरी के दृष्टिकोण से, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे पढ़ाई के दृष्टिकोण से, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ समाचार मिलेगा, तो निसंदेह आप उत्साहित रहेंगे, खुशी खुश रहेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी स्थितियां जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी। मैं यहां पर केवल ये कहना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर बहुत ऐसी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये वक्त ये दौर मुझे अच्छा दिखता है, थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, मैं शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मुझे उतार चढ़ाव दिखता है। अदरवाइज आपके लिए मकर राशि के लिए वक्त उत्साहित करने वाला है, खुश करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, तो चिंता की कोई बात नहीं। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, निसंदेह कोरोना का दौर चल रहा है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लेकिन लिमिटेशंस के साथ ही सही, लेकिन मांगलिक कार्य जरूर से हो सकता है, और यात्राओं का भी ये दौर है, फिर वही बात, कोरोना का लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन कई बार यात्राएं करना बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी बन जाता है, तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं करते हैं वो उद्देश्य आपका सफल होगा, और कोई चिंता की बात यहां पर मुझे नहीं दिखती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, तो यात्राएं आपकी अच्छे उद्देश्य से होंगी और जिस भी उद्देश्य से होती है उस उद्देश्य में सफलता होगी ऐसा मुझे दिखता है। साथ ही साथ आपके नौकरी
और व्यवसाय के दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो नौकरी में आपको नई जिम्मेदारी मिले या आपका धन में वृद्धि इस समय हो जाएगी ऐसा आपको आश्वासन मिले, वो भी जरूर से होगा, तो निसंदेह इसकी वजह से भी आप खुश रहेंगे। तो नौकरी के दृष्टिकोण से भी यह वक्त अच्छा है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना के वक्त में अधिकतर जितने व्यवसाय हैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय ये वक्त जो है ये मुझे अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि के लिए यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक चीजों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिजूल खर्च भी आपका हो सकता है, फिजूल खर्चे से भी बचकर रहें, शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, लेकिन धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक चीजों में, इवन ज्योतिष में भी रुचि आपकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको मानसिक तौर पर जरूर से संबल मिलेगा और मानसिक तौर पर आप उत्साहित भी रहेंगे, आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छा रहेगा। यदि आप ऑलरेडी नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपको वाहवाही मिले और सफलता मिले, ऐसा मुझे दिखता है। मीन राशि के लिए ये वक्त जो है वो केवल थोड़ा खर्च ज्यादा हो और स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखें, यहां पर इश्यूज है। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखी और नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी कोई दिक्कत नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी कोई मुझे समस्या बनती हुई नजर नहीं आती। तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपके लिए जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाने वाला है, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूं। नमस्कार।